हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। आई होप कि आप सभी बहुत खुश और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2024 आने वाला है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट अप्रूव्ड पोर्टल से गवर्नमेंट अप्रूव्ड सर्टिफिकेट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। एक नहीं, दो के बारे में डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो देखिए और किस तरीके से सर्टिफिकेट को अचीव कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आइए सीखना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सर्टिफिकेट के बारे में, जो कि 2024 से रिलेटेड होगा। इस बार का IDY के लिए आपको आयुष मंत्रालय की वेबसाइट पर जाना होगा। नीचे ही IDY सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन की लिंक भी है, या तो आप डायरेक्टली इसको यहां पर क्लिक कर लीजिए या योगा को क्लिक कर लीजिए, या फिर आप कर सकते हैं यहां आयुष मंत्रालय की वेबसाइट पर क्लिक। अगर आप यहां क्लिक करते हैं तो आपको इस तरीके की एक वेबसाइट मिल जाएगी। आप इधर साइड में क्लिक करते हैं, और अगर आप मोबाइल से भी कर रहे हैं तो इसी तरीके की स्टेप आपको फॉलो करना होगी। अब यहां पर आपको योगा का ऑप्शन तो नहीं मिल रहा है, तो सबसे नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको यूजफुल लिंक्स में योगा का एक ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिल रहा है, डायरेक्टली लिंक नहीं मिल रही है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी। अब मैंने योगा पर क्लिक किया तो मुझे यहां पर ओके का ऑप्शन क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट वेबसाइट पर हम लोग जा रहे हैं। तो इस तरीके का एक पोर्टल खुल जाएगा, आप इसको क्लोज कर देंगे। थोड़ी देर रीलोड होने के बाद आपको यहां पर IDY का ऑप्शन मिल जाएगा। आप IDY पर जाकर के IDY 2024 पर क्लिक कर दीजिए, या फिर ऊपर फ्लैश हो रहा है क्लिक फॉर IDY 2024 सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन। फिर से आपको यहां पर बता दे रहा हूं, यहां पर सबसे पहले आप सर्टिफिकेट के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। 23 या 24 तारीख को इसी वेबसाइट पर ऊपर की तरफ कहीं पर एक लिंक आ जाता है जो सर्टिफिकेट डाउनलोड का होता है। अभी आप सर्टिफिकेट के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, पर सर्टिफिकेट डाउनलोड के लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन जरूरी है। तो आप यहां पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने पर आपको इस तरीके का एक फॉर्म मिलेगा, जिसमें आपको पूरा नाम, आपका जेंडर, इंडिया यहां सिलेक्ट करना है, स्टेट लिखना है, आपको डिस्ट्रिक्ट लिखना है, सिटी लिखना है, पिन कोड दे देना है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का कोई ईमेल आईडी है तो वो दे दीजिए, नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हो क्योंकि यहां स्टार मार्क नहीं है। ईमेल आईडी यहां देना है, कॉन्टेक्ट नंबर देना है, इस कैप्चा को यहां पर पुट करना है और क्लिक टू रजिस्टर पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरीके का एक ऑप्शन आ जाता है, रजिस्टर सक्सेसफुल, और एक आपका आईडी नंबर आ जाता है, IDY नंबर आ जाता है, इसको आपको नोट करना है। जब सर्टिफिकेट का ऑप्शन खुल जाएगा, जब लिंक फ्लैश होने लगेगी, तो यही IDY नंबर आपको डालना होता है, जिसके बाद आपके नाम के साथ IDY यानी इंटरनेशनल योगा डे का आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। यहां पर ओके करेंगे आप, अभी आपको इस तरीके की एक रिसिप्ट मिल जाएगी जिस पर आपका IDY नंबर लिखा है, जो कि सर्टिफिकेट डाउनलोड के लिए जरूरी होगी। ई सर्टिफिकेट फ्रॉम 24 जून ऑनवर्ड, यानी 24 जून के बाद से सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर पाएंगे। इस रिसिप्ट को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं, इस तरीके से PDF में ये डाउनलोड हो जाएगा। पहला सर्टिफिकेट है जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का है, जिसमें आप पार्टिसिपेट करके आप इस तरीके का एक सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं 2024 के लिए। तो दोस्तों, आगे बढ़ने के पहले एक अपडेट, आज डिस्टेंस या ऑनलाइन मोड से भी पढ़ाई की जा सकती है, और डिस्टेंस या ऑनलाइन मोड के जो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी होते हैं उन्हें आप सर्च कर सकते हैं कॉलेज विद्या के माध्यम से। यहां पर जो भी UGPG या अदर कोर्सेज करना चाहते हैं सिलेक्ट करना होगा, कुछ बेसिक डिटेल को फिल कीजिए और फ्यू क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। इसके बाद AI मॉडल सुटेबल गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज की लिस्ट देगा। यहां पर भी दो ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, जैसे चाहे तो एक्चुअल यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल से डायरेक्ट टॉक कर सकते हैं, या कॉलेज विद्या के एक्सपर्ट से फ्री ऑडियो या वीडियो करियर काउंसलिंग ले सकते हैं, या काउंसलर एडमिशन से लेकर प्लेसमेंट तक हमसे कनेक्ट रहते हैं। एड टू कंपेयर से इजिली यूनिवर्सिटीज के बीच में कंपेयर कर सकते हैं, और फीस EMI प्लेसमेंट जैसी 30 प्लस फैक्टर को कंपेयर भी कर सकते हैं। कॉलेज विद्या EMI के ऑप्शंस भी देता है और सीधे ऑथेंटिक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करता है, इससे कोई स्कैम भी ना हो। प्लेसमेंट सपोर्ट भी आपको मिलता है, साथ ही अगर डिस्क्रिप्शन लिंक से एडमिशन लेते हैं तो 699 का करियर बूस्टर प्रोग्राम फ्री मिलता है। और एक नई न्यूज भी है कॉलेज विद्या के साथ, द CV सब्सिडी, नाउ स्टूडेंट विल रिसीव अ सब्सिडी ऑफ अप टू 10,000 वंस दे टेक एडमिशन इन एनी यूनिवर्सिटी। तो ओवरऑल यह एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है, सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी दोस्तों। सो सेकंड सर्टिफिकेट जो आप योगा से रिलेटेड ले सकते हैं, वो आप MyGOV से ले सकेंगे, इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी दोस्तों। या नीचे स्क्रॉल करते हैं तो अब आ गया है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2024 क्विज, जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे और आपको 450 सेकंड का एक ड्यूरेशन मिलेगा, जिसको कंप्लीट करने के बाद आपको एक ई सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यह 10 जून से शुरू हो चुका है और 30 जून तक आप
आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप प्ले पर क्लिक करेंगे तो क्विज के पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर भी वही चीज मेंशन है और आप लॉग इन टू प्ले क्विज कर सकते हैं और इसमें जरूरी चीजें यहाँ दी हुई हैं जिसे आप पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से सर्टिफिकेट तो सबको मिलेगा लेकिन किस तरीके से एक विनर हो सकता है उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर दी हुई है। मैंने प्रीवियस वीडियोज में भी आपको इनके बारे में बताया है। तो आपको अगर ये क्विज पार्टिसिपेट करना है तो लॉग इन टू प्ले क्विज पर आपको क्लिक करना होगा, जिसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको लॉगिन का पेज मिल जाता है। अब आप चाहे तो ईमेल या मोबाइल से लॉगिन कर सकते हैं, ये एक सबसे सिंपल तरीका होता है, या फिर आप अपना एक परमानेंट अकाउंट बना सकते हैं यहां पर। तो मैं यहां पर मोबाइल नंबर से OTP के थ्रू लॉगिन कर लेता हूं। तो अगर मोबाइल नंबर डालने के बाद आप रजिस्टर नहीं हैं तो इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा कि पहले आप रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर के लिए आपको आपका नाम, ईमेल, यहां पर मोबाइल नंबर डाला हुआ है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, जेंडर सिलेक्ट करना है और क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक कर देना है। सो जब आप रजिस्टर कर लेंगे तब आपको फिर से अपना या तो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डाल करके OTP से रजिस्टर करना होगा। तो अगर आप रजिस्टर हो गए होंगे सक्सेसफुली तो फिर OTP हैज बीन सेंट योर रजिस्टर ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर आ जाएगा। अभी मैंने ईमेल आईडी डाल दिया था तो अब OTP से लॉगिन के लिए ईमेल पर जाना होगा, वहां पर आपको OTP मिल गया है, उस OTP को यहां डाल करके सबमिट करना है। अब जबकि आपका लॉगिन हो चुका है सक्सेसफुली, यहां पर आपका नाम भी आ जाएगा, लॉग आउट का ऑप्शन भी आ जाएगा, लेकिन यहां एक नया ऑप्शन मिल रहा है स्टार्ट क्विज का। स्टार्ट क्विज पर आप क्लिक कर देंगे तो अब आप क्विज के पेज पर पहुंच जाएंगे जहां आपको 10 क्वेश्चन और 450 सेकंड का टाइम मिलने वाला है। यहां अपनी डिटेल देखने के बाद सबमिट टू स्टार्ट पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। देखिए ध्यान से, यहां पर टाइम शुरू हो चुका है, यानी कि आपको 7.5 मिनट का टाइम मिलने वाला था जो कि यहां शुरू हो गया है। 10 क्वेश्चन के ऑप्शंस यहां पर हैं। यहां पर आपको जो ऑप्शन मिल रहे हैं इन क्वेश्चंस के हिसाब से आपको उनको पिक करते हुए आगे की तरफ बढ़ना है, यानी कि नेक्स्ट पर क्लिक करते जाना है और ऐसे सभी क्वेश्चंस में करना है। ध्यान रखिए कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा सही आंसर दीजिए। लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, उसका ऑप्शन देने के बाद अब आपको नेक्स्ट की जगह मिलेगा फिनिश क्विज, तो आप फिनिश क्विज पर क्लिक कर देंगे तो यहां आ जाएगा कि अब आपने अपना क्विज कर लिया है। आप क्लिक हियर पर क्लिक करने के बाद अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने क्लिक हियर पर क्लिक किया, मैं डैशबोर्ड पर आ चुका हूं। डैशबोर्ड पर यहां पर डाउनलोड का ऑप्शन दिखने लगा है, सेम मोबाइल में भी दिखेगा। आपको यहां क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपका यहां पर एक इमेज फॉर्म में सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। इस सर्टिफिकेट में आपका नाम भी है और जो रिक्वायर्ड साइन है वो भी है। इसको आप अपने सोशल मीडिया पेजेस पर भी शेयर कर सकते हैं और 30 जून तक आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो दोस्तों यह वो दो पोर्टल थे जिनसे आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। हम हर इस तरीके के जो स्पेशल डे होते हैं उन पर भी वीडियो जरूर बनाते हैं। तो इस तरीके के वीडियोस के लिए, एजुकेशन और करियर की गाइडेंस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों। सभी वैलिड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।